तो हेलो दोस्तों, आपका पिजन्स ब्रीडिंग ग्रुप चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो भाइयों, मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरे कबूतर दाना नहीं खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो भाई आज मैं आपको उसी का इलाज बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे कहाँ आज बारिश हुई है, तो मैंने कबूतरों के जाल के अंदर ही दाना लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों मैंने सुबह भी नहीं खोले थे ना शाम को खोले, क्योंकि बारिश हो रही थी। दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी आपके जाल के अंदर थोड़ा सा भी ना जा पाए, तो आपका कबूतर तुरंत बीमार हो जाएंगे दोस्तों, और बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों इस टाइम। और भाई आप एक काम करें, जहाँ जहाँ आपके जाल में जाली लगी हो वहाँ पे आप बोरा बांधें। दोस्तों मुझे बांधना, मैं कल सुबह यहाँ पे बांधूंगा, देख सकते हैं पूरा पूरा वाला जाल जाली का बना हुआ है। 15 रुपये के साथ दोस्तों मिलता है बोरा, आप उसको काट के बांध दें और हमेशा बंधा रहने दें। पूरी सर्दी पर भाइयों आप उसको बंधा रहने दें, इसका उधर जाल के अंदर आपकी गर्माहट बनी रहेगी। तो चलिए इलाज की तरफ चलते हैं। तो भाई आपको एक मेडिकल स्टोर जाना है और वहाँ से आपको कहना कि भाई मुझे लिप 52 सीरप दे दीजिए। भाई हिमालय कंपनी का ये आता है लिप 52, इसका 60-60 रुपीज़ का मिलता है। तो भाई आपको ये सुबह सुबह कबूतरों को देना है, अपने सारे कबूतरों को आप दीजिए, जोड़े वालों, अंडे बच्चे वाले सबको भाई आपको देना है, ये उड़ने वालों को। इससे आपके कबूतरों का हाजमा ठीक रहेगा, उनका लीवर स्ट्रांग रहेगा, इससे तो खाना बराबर बचेगा, आपके कबूतरों को भूख लगती रहेगी। तो भाई ये देना कैसे है, आप इनको सुबह खोले दाना दे दें आप, फिर आपको 1 लीटर पानी लेना है, जिसमें भी आप पानी पिलाते हो 1 लीटर पानी ले लें, और उसमें एक ढक्कन आप लिप 52 मिला दें। आपको भाई ये एक हफ्ता लगातार ही देना, आपको सुबह सुबह, शाम को नहीं देना है दोस्तों, ज़्यादा शाम को दवाई फ़ायदा नहीं करती है, आपको सुबह सुबह देना है जब प्यासे रहते हैं ये। और रात को अपने दरबे में आपको पानी नहीं रखना भाई, आपको सुबह सुबह देना है, एक हफ्ते तक लगातार आप पहले दें, फिर आप इसको हफ्ते में 2 बार दें, सुबह सुबह खाली दें। भाई आपके 3-4 दिन देने के बाद ही आपको असर दिखने लगेगा, आपके कबूतर भर पेट दाना खाएंगे और तंदुरुस्त बिल्कुल रहेंगे। तो मेरे कबूतर को देने मैंने दिया नहीं बहुत दिन से, लेकिन तब भी तंदुरुस्त रहेंगे। और भाई अब एक काम करें, मिट्टी हमेशा लगी रहनी चाहिए, मिट्टी आप बाहर रख दें, जब जब खोलेंगे आप ये तब तब मिट्टी खाएंगे, उनका हाजमा हमेशा सेट रहेगा, ठीक है। बच्चे मेरे कहाँ निकले हुए, अंडे भी रख दिए कुछ कबूतरों ने, एक इधर रखा है दोस्तों, अंडे देने वाली है, ऊपर अंडे आ गए दोस्तों, देखिए भरा रहा है कबूतर ये मेरा। और भाई आपको अपने कबूतरों को मिक्स दाना देना है भाई, आप उनको कम से कम 4 तरह का तो दाना दें, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बाजरा होना चाहिए, गेहूँ होना चाहिए, और मकई होनी चाहिए, और एक आप एक दाल इसमें ऐड कर लें, मसूर की दाल दोस्तों, काली मसूर की दाल भाई आप इसमें ऐड कर लें, बहुत शौक़ से कबूतर खाएगा। तो मैं इनको काली मसूर की दाल ज़रूर देता हूँ, बहुत शौक़ से खाते हैं भाई ये। अगर आपको भाई एक लगातार एक ही तरह का खाना मिले तो आप भाई नहीं खाएंगे, अगर आपको वैरायटी मिलती रहेगी तो आप डेली वही खाना पसंद करेंगे। दोस्तों ये भी वैसे करते हैं, अगर आप इनको एक तरह का दाना देते रहेंगे दोस्तों, इनको खाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए खाना छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं खाते ये, जो इनको अच्छा लगता खाली वही खाते हैं दोस्तों ये। आप इनको 4 तरह का दाना दें, मकई, बाजरा, गेहूँ, मसूर की दाल भाई, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी आप डाल लें अपने दाने में, मिला लें, और हो सके तो आप भाई इनको काले चने भी दे दें, डेली थोड़ा थोड़ा आप इनको खिला दिया करें, इससे इनकी प्रोटीन की कमी भाई पूरी होती रहती है, देख लें आप। तो भाई बस आपको छोटी जानकारी देनी थी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही।